बुधवार को तहसील महावन में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी लाभान्वित होने के लिए आए। वहीं बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने अपने हाथों से कंबल देकर लोगों को लाभान्वित किया। इस कंबल वितरण कार्यक्रम में तहसीलदार महावन पवन पाठक, नायब तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल और दर्जनों तहसील कर्मी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए बलदेव विधायक पूरन प्रकाश ने बताया कि 200 लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम तहसील में रखा गया है और 200 लोगों को लाभान्वित किया गया है। कंबल देकर सरकार की मंशा के अनुरूप यह कंबल बांटे गए हैं और अगर कोई भी लाभार्थी कंबल से वांछित रह गया है तो उसे अगली बार कंबल दिया जाएगा। तहसील स्तर पर आपके जगह जगह जहाँ आपके 8-10 गांव इकट्ठे हो गए, जो जगह हो वहाँ पर गौशाला बना के उसमें सब भर्ती कर दिया। मैं खाली यही नुकसान नहीं, खेतों का किसानों का एक बड़ा और भारी नुकसान होता है, क्यों जो हमारा पशु होते हैं रात को सड़कों पे आ जाते हैं। अभी भी कल 8 मर गए एक्सप्रेस वे पे, वो सड़कों पे आ जाते हैं, कोहरा पड़ा रहता है, गाड़ी की टक्कर हो जाती है, तमाम दुर्घटना हो जाती है, तमाम मोटरसाइकिल वाले घायल हो गए, कई खत्म हो गए। तो चाहे वो सड़क पे हो चाहे खेत में हो, आप लोगों को नुकसान हम नहीं होने देंगे, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। क्योंकि तो लगभग आए हैं, मेरी इस संबंध में तहसीलदार महोदय से भी बात हो गई, हमारे पास बैठे शर्मा जी, DM से भी बात हो गई है, अगर कोई वंचित रह जाएंगे और जो पात्रता रखते हैं चाहे दोबारा हमको मंगाना पड़े हम उन तक भी पहुँचाएँ, या विश्वास मानिए। इतना ही नहीं, क्योंकि हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे देश के प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट कहना कि 70% आबादी है वो गांव, वो 50-60% पर रह जाता था, मेरिट में पीछे रह जाता था, सब खत्म नहीं होने देंगे। अभी जब पिछली बार हुआ था लास्ट ईयर वो जो है UP बोर्ड का वो हुआ था एग्जाम, हाई स्कूल के इंटर के 10 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि नकल नहीं चलेगी, अब अकल चलेगी। जो जिसकी काबिलियत है, जो पात्रता रखता है, उसको हक मिलेगा। अरे बाकी सब आ गया, आपको थाने के, चौकी के, पुलिस के, निसंकोच आप अपनी बात रखिएगा, काम बताइएगा, कहीं किसी में बिचौलिया की, घूसखोरी की कोई बात हो आप तुरंत अपने विधायक को बताइएगा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बताइएगा। अब बिल्कुल कतई आप ये चीज़ नहीं पाएंगे कि कहीं बिचौलिया के माध्यम से कहीं घूस सिस्टम है। आप अभी आ में तहसील पे आ जा में, अभी विधायक के पास आ जा में, क्या हमें अभी जैसे आज ही चाहिए, आपसे पहले जिनके नाम लिख रहे हैं पहले उनका नंबर आ जाएगा, आपका नीचे से ऊपर फिर आ जाएगा, ऐसे सिस्टम है। आपकी जो दिक्कत परेशानी है अपने प्रधान से कहिएगा, प्रधान अगर नहीं सुने, अरे हम कह तो रहे ना पहले पूरी बात, नहीं सुने आप लिख के दीजिएगा, कोई बात नहीं है जो बढ़िया।